गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में। इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर की क्विज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सहयोग HOPTAC 2018 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि सहयोग जो कि एक एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच हुई है। राइट आंसर है वियतनाम। ये भारत और वियतनाम के बीच हुई है। ये भारत और वियतनाम के बीच पहली कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज है। ये बे ऑफ बंगाल में हुई है। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति मिस्टर त्रेन दाई क्वांग का भी निधन हुआ है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। कुछ और इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो मेलेक्स है वो बिम्स्टेक की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये पुणे में हुई थी और नेपाल और थाईलैंड ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। वोस्टोक है वो रशिया की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी कोल्ड वार के बाद। इसमें चाइना और मंगोलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। रैपिड ट्राइडेंट है वो नाटो और यूक्रेन के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। मालाबार है वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है भारत अमेरिका और जापान के बीच। युद्ध अभ्यास है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और नेपाल के बीच। मैत्री है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच। जबकि नोमैडिक एलिफेंट है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच। कमेंट बॉक्स में बताइए गोबी डेजर्ट किस देश में स्थित है और ये एक कोल्ड डेजर्ट है या एक हॉट डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गायनोकोलॉजिस्ट हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ 2018 नोबेल पीस प्राइज़, यानी कि 2018 का नोबेल पीस प्राइज़ किन्हें दिया गया है। राइट आंसर है डेनिस मुकवेगे। 2018 का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर डेनिस मुकवेगे और मिस नादिया मुराद को। डॉक्टर डेनिस मुकवेगे एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं जबकि मिस नादिया मुराद हैं वो एक यजदी खुदिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है मिस फ्रांसिस अर्नोल्ड, जोज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी विंटर को। जबकि फिजिक्स में यह अवार्ड दिया गया है मिस्टर आथा अस्किन, जेरार्ड मोरोव और मिस डोना स्ट्रिकलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश एन अकेडमी ऑफ लीडरशिप, यानी कि अकेडमी ऑफ लीडरशिप बनाने का डिसीजन किस IIT ने लिया है। राइट आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर है वो एक अकेडमी ऑफ लीडरशिप बनाएंगे ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। IIT खड़गपुर की बात करें तो ये NDLI यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसको भी IIT खड़गपुर ने ही डेवलप किया है। इसके बाद और IIT की बात करें तो IIT मद्रास है, उन्होंने राइज क्रीक नाम का इंडिजीनियस माइक्रोप्रोसेसर बनाया है। ये प्रोजेक्ट शक्ति के तहत बनाया गया है। इसके अलावा IIT कानपुर है, उन्होंने एक ट्रेड विल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने वाले लोगों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी ड्रीवन फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन विल बी रोल्ड आउट बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू मेक हैसल फ्री एयर ट्रेवल फॉर पैसेंजर्स, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कौन सा एक नया इनिशिएटिव चालू किया है ताकि हैसल फ्री एयर ट्रेवल इंश्योर किया जा सके। राइट आंसर है डीजी यात्रा। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन है उसका इस्तेमाल करके पेपरलेस ट्रैवल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एशिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो फेशियल रिकॉग्निशन फैसिलिटी को यूज करेगा। इसके अलावा कोचीन एयरपोर्ट है, ये विश्व का सबसे पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। इसको हाल ही में UN की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा UN की तरफ से चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर को और फ्रांस के प्रेसिडेंट को। फ्रांस के प्रेसिडेंट है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, भारत के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन डिटेंशन एंड एक्सेस टू जस्टिस हैज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है वुमेन इन डिटेंशन एंड एक्सेस टू जस्टिस है वो कहाँ पर हुई है। राइट आंसर है शिमला। ये शिमला में हुई है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया है BPRD और हिमाचल प्रदेश प्रिजन डिपार्टमेंट ने।
बीपीआरडी की बात करें तो ये है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, यानी कि 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और डॉक्टर एपी महेश्वरी हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बीपीआरडी है वो गृह मंत्रालय के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम असिस्टेंस ऑपरेशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अर्थक्वेक एंड सुनामी विक्टिम्स इन इंडोनेशिया। यानी कि भारत ने इंडोनेशिया में आई हुई सुनामी और अर्थक्वेक विक्टिम्स को सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। राइट आंसर है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया है। INS तीर, INS सहयोग और INS शार्दुल हैं वो मदद प्रोवाइड करवाएंगे। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जहां पर एशियन गेम्स भी हुए थे। जकार्ता आसियान का सेक्रेटरिएट भी है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक गेम हैं वो भी इंडोनेशिया में ही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक गेम्स का फ्लैग बियरर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ रिसेंटली आइडेंटिफाइड रीजन्स इन व्हीट जीनोम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंसिटी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इन व्हीट ग्रेन। यानी कि साइंटिस्ट की टीम ने किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेंसिटी के लिए जीनोम को फाइंड आउट किया है। राइट आंसर है जिंक। व्हीट की बात करें तो गेहूं एक रबी फसल है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसने MSP बढ़ा दिया है व्हीट के लिए। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कमेंट बॉक्स में बताइए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके चेयरमैन कौन हैं। जिंक की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और जिंक का सिंबल है ZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है उसका थीम क्या है। राइट आंसर है साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका थीम है। 5 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो लखनऊ में शुरू हुआ था। 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इस बार का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है उसका थीम है साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का चौथा एडिशन है। इससे पहले पहला और दूसरा एडिशन है वो दिल्ली में हुआ था, जबकि तीसरा एडिशन तमिलनाडु में हुआ था। ये चौथा एडिशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। लखनऊ की बात करें तो हाल ही में नाबार्ड ने साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज चालू किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड $150 मिलियन लोन पैक्ट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट एवर ग्लोबल स्किल पार्क इन मध्य प्रदेश। यानी कि भारत ने पहला ग्लोबल स्किल पार्क शुरू करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ $150 मिलियन का एक लोन पैक्ट साइन किया है। राइट आंसर है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये लोन पैक्ट साइन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके साथ साथ एक और भी बैंक है AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कमेंट बॉक्स में बताइए AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट एवर स्किल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित होगा। ये एक TVET पार्क होगा, यानी कि टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस इन इंडिया एट सफाईगिरी समिट एंड अवार्ड्स 2018। यानी कि किस प्लेस को क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस का अवार्ड दिया गया है सफाईगिरी समिट और अवार्ड्स 2018 के दौरान। राइट आंसर है माता वैष्णो देवी श्रीन। माता वैष्णो देवी श्रीन को क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस का अवार्ड दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल है वो भी इनोग्रेट की गई थी। जोजिला टनल है वो एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। ये श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस में कनेक्ट करती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।